हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है मैथ का जो मॉक टेस्ट 12 पार्ट नंबर 12 करेंगे, इसमें भी टोटल 10 क्वेश्चन है, कुछ मेंसुरेशन, और जो 30 अप्रैल को पेपर हुआ था उसी पे बेस है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने फेसबुक पेज पर प्लीज़ शेयर कीजिए जिससे हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। और अगर आप SSC CGL या CPO SI की तैयारी करते हैं, साथ में बैंकिंग भी तैयारी करते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए हम 10 तारीख से, क्योंकि 10 तारीख तक तो हम MTS कवर करेंगे। 10 से लेके हम स्टार्ट करेंगे और जल्द से जल्द कोशिश करेंगे जून लास्ट तक, मई जून, क्योंकि उसके बाद जून लास्ट तक सारे टॉपिक कवर कर ले। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम जून तक कोशिश करेंगे कि CGL का जो मैथ का कोर्स है वो ख़त्म कर दें और GS का कोर्स। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है, अ स्फीयर, एक गोला है, इज कट इनटू टू हेमीस्फीयर, उसको जो काटा गया है दो गोलार्ध में, वन ऑफ देम यूज्ड एज अ बाउल, एक जो है उसमें से कटोरा की तरह यूज होता है, और क्या होता है 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंक्वाकार कोनिकल वेसल में बर्तन को भरने के लिए इसके 8 कटोरे लगते हैं, मींस 8 बाउल फुल लगते हैं। तो गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, ये कह रहा है ये एक शंकु है, इसकी ऊंचाई जो है कितनी है 12 सेंटीमीटर है, और इसका रेडियस जो है कितना है 6 सेंटीमीटर है। अब एक गोला है, एक जो है क्या है हेमीस्फीयर है, सॉरी एक स्फीयर है गोला, उसको काट दिया गया दो हेमीस्फीयर में। तो जब काटा गया है तो उसमें से जो दो हेमीस्फीयर बनता है, दो गोलार्ध बनते हैं, उसमें से एक बाउल कटोरे की तरह यूज किया जाता है, और इस जो शंक्वाकार बर्तन इसको भरने के लिए 8 कटोरे लगते हैं। तो दोनों का जो है आयतन जो है बराबर होगा, तो शंक्वाकार मीन्स कोनिकल वेसल का जो कोनिकल वेसल का वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 1/3 πr² h होगा। शंक्वाकार बर्तन का आयतन वॉल्यूम क्या है 1/3 πr² h। हमें क्या पता है पाई, हम नहीं 22/7 नहीं रख रहे हैं, आर पता है हमें, रेडियस कितना है 6 है, और हाइट पता है कितना है 12 है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 4, और ये आ जाएगा 144 πr। तो जो इसका वॉल्यूम है कोनिकल वेसल का जो वॉल्यूम है, शंक्वाकार बर्तन का जो वॉल्यूम आयतन है वो कितना है 144 πr। अब इसका आयतन और गोलार्ध हेमीस्फीयर का जो वॉल्यूम है बराबर होगा, मीन्स हेमीस्फीयर का वॉल्यूम एंड इस कोनिकल वेसल का वॉल्यूम सेम होगा। तो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, अगर मान लें कि उसकी त्रिज्या क्या है कैपिटल R है, तो ये हो जाएगा, देखिए गोले स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, और हेमीस्फीयर का होता है 2/3 πr³। हेमीस्फीयर मीन्स हाफ गोला, आधा गोला, तो ये उसका वॉल्यूम हुआ, और मैंने माना है कि जो रेडियस है वो कैपिटल R है। तो 144 πr जो है बराबर होगा किसके, 2/3 πr³, ये किसके 8 कटोरे लगते हैं, तो गुने 8, ये तो एक का वॉल्यूम है ना 2/3 πr³, एक हेमीस्फीयर का वॉल्यूम, एक हाफ गोलार्ध का आयतन है। तो अब इसको हम काट देते हैं, देखिए पाई से पाई आपका कट गया, आर क्यूब की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी आ जाएगी 144 × 3 8 × 2, और इसके बाद जो है ये जब कटेगा 144/8, तो 8 8/64 ये 18 आ गया, और ये हो गया 9, तो आपका कितना आ गया 9 × 3, इसको आप लिख सकते हैं 3 3 3 3, और क्यूब है तो r = 3, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 50 विद्यार्थियों कक्षा में 23 अंग्रेजी, 15 हिंदी, 18 पंजाबी भाषा बोलते हैं, 3 स्टूडेंट केवल अंग्रेजी, 6 केवल, देखिए सबसे पहले हम फिलअप किसको करते हैं, वनली को फिलअप करते हैं, वनली को फिलअप करने के बाद हम सब फिलअप कर लेते हैं, इसके लिए हम बनाते हैं गोले। देखिए ये हो गया आपका इंग्लिश, ये आपका हो गया हिंदी, और ये हो गया पंजाबी। अब आइए पढ़ते हैं वनली, 3 विद्यार्थी केवल अंग्रेजी, चलिए 3 इसको दे दिया, और 6 विद्यार्थी केवल हिंदी, ओके 6 इसको हिंदी दे दिया। देखिए क्या है, 3 विद्यार्थी केवल अंग्रेजी और हिंदी पढ़ते हैं, अंग्रेजी और हिंदी का केवल का कॉलम ये है, तो यहाँ पे 3 दीजिए, 6 विद्यार्थी केवल अंग्रेजी और पंजाबी, पंजाबी ये अंग्रेजी ये, तो यहाँ पे 6 दीजिए, और 6 विद्यार्थी केवल अंग्रेजी और पंजाबी बोलते हैं, ओके 9 विद्यार्थी केवल अंग्रेजी बोलते हैं, अच्छा 9 विद्यार्थी केवल इंग्लिश बोलते हैं, टोटल कितने विद्यार्थी हैं 23, मीन्स इस इंग्लिश के कॉलम में टोटल 23 होने चाहिए, लेकिन है कितने 9 6 15 3 18, कमी कितनी रह गई 5, ये तो 5 तीनों भाषा बोलेंगे, क्योंकि ये देखिए तीनों का कॉमन है, तो
क्वेश्चन क्या पूछा है, कितने विद्यार्थी तीनों भाषाएं बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। किसी धन राशि का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज प्रिंसिपल के 1/9 के बराबर है, मूलधन के 1/9 के बराबर है, तथा वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है, मीन्स टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है क्या है, बराबर है। तो ब्याज की वार्षिक दर, तो आपको इंटरेस्ट एनुअल रेट बताना है, इंटरेस्ट पर एनम बताना है। इसको दो तरीका है लगाने का, एक फार्मूला का है, पहले आप फार्मूला देख लीजिए उसके बाद हम बताएंगे मेथड। देखिए ये आपका जो है फार्मूला है क्या है, द रेट बराबर इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन मूलधन इंटू समय प्रिंसिपल इंटू टाइम। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दे, देखिए ब्याज क्या है आपको 1/9 मिल रहा है, 1/9 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल जो है आपका कितना है, एक है, तभी तो ये 1/9 होगा, और रेट जो है आपका टाइम जो है आपका रेट के बराबर है, तो ये दोनों आर हो गए। तो इसको इधर ले जाइए, आर स्क्वायर बराबर 100/9, ये कट गया 10/3, कटा कैसे, आर बराबर ये आर स्क्वायर है तो 10 × 10 3 × 3, तो आर बराबर कितना हो गया 10/3, या इसको लिख सकते हैं आप 1/3%। ये तो फार्मूले का मेथड है, अब आइए थोड़ा दूसरा मेथड देखते हैं। अगर इन केस आपको फार्मूला भूल जाए तो आप कैसे करेंगे, देखिए आप सिंपल मानेंगे आपका मूलधन प्रिंसिपल जो है एक है, और इंटरेस्ट ब्याज जो है आपका एक का 1/9 होगा, क्योंकि 1/9 पार्ट है, और आपको जो रेट आप रेट मानना है वो कितना मानना है x, तो टाइम भी आपका बराबर होगा x होगा। तो आप सिंपल फार्मूला, ये फार्मूला तो सब लोग जानते होंगे, अगर वो ना याद हो तो SI बराबर PRT/100। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना है, ब्याज कितना है 1/9 के बराबर है, और P आपका मूलधन आपने 1 माना है, रेट आपने x माना है, टाइम आपका x है, और 100 ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 100/9, बस आ गया 10/3 x बराबर 1/3%। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सप्ताह के पहले 4 दिन का औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, जबकि अंतिम 4 दिन का एवरेज टेम्परेचर 25.5 डिग्री सेल्सियस है। यदि पूरे सप्ताह का, पूरे वीक का जो है औसत तापमान एवरेज टेम्परेचर 25.2 डिग्री सेल्सियस हो, तो चौथे दिन का तापमान, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, पूरे सप्ताह पूरे वीक का एवरेज टेम्परेचर कितना है 25.2 डिग्री सेल्सियस, तो टोटल इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 7 से गुणा कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 176.4 डिग्री सेल्सियस। और शुरू के 4 दिनों का एवरेज टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 × 4 100 डिग्री सेल्सियस हो गई, और अंतिम के 4 दिनों का एवरेज टेम्परेचर 25.5 डिग्री सेल्सियस गुणे 4 कितना हो गया 102 हो जाएगा ये। तो आप क्या करेंगे, देखिए ये शुरू के 4 दिनों का है, ये अंतिम 4 दिनों का है, तो टोटल कितने दिन का है 8 दिन का, तो इनको जोड़ लेंगे ये 7 दिन का है, तो जो एक एक्स्ट्रा दिन जा रहा है वही तो चौथे दिन का टेम्परेचर निकलेगा। तो आप जो है 176.4 जो 7 दिन का है उसमें से इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 202, सॉरी ये 8 दिन का है, देखिए ये 8 दिन का, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 202, और इसमें से 7 दिन का घटा देंगे 174.4 डिग्री सेल्सियस को, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 25.6 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21, 28 में से प्रत्येक संख्या से पूर्ण विभाजित हो जाए। तो आप क्या कीजिए, इनका पहले आप एलसीएम ले लीजिए 12, 18, 21 और 28 का, तो 2 से पहले कटेगा कितना आ जाएगा 6, 9, 21 नहीं कटेगा 14, उसके बाद फिर 2 से 3, 9, 21, 7 हो जाएगा, अब 3 से कर लीजिए 1, 3, 7, 7, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, देखिए 2 × 2 × 3 × 3 7, मीन्स 2 × 2 × 3 × 3 × 7, और जो ये आपकी वैल्यू आएगी 252 आएगी, 252 आएगी। आपको क्या बताना, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 9999। अब इसमें जो है आप देंगे 252 से भाग, तो कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा, 756 आएगा, और आपको बचेगा कितना 243। आप ये 9 यहाँ पे उतारेंगे, कितनी बार जाएगा ये, अब 9 बार आपका आ जाएगा 2, 2, 6, 6, आपका जितना रिमाइंडर बचेगा, जितना रिमाइंडर बचेगा वो 9999 से आप घटा देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, कितना आएगी 9828, आंसर होगा 9828। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी 20 किलोमीटर दूरी पर हैं,
ए 4 किलो, देखिए ए और बी के बीच का डिस्टेंस जो है कितना है, 20 किलोमीटर है। देखिए अगर अभी तक आप लोग हमारे टाइम एंड डिस्टेंस का वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ से लिंक के पास से जाके देख सकते हैं, हम जल्दी उसको पूरा कर देंगे। इनके बीच की दूरी 20 किलोमीटर है, ए 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है और बी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है। यदि वो प्रातः 7 बजे, सुबह 7 बजे एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करें, देखिए जब दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो अगर इसको हम यहीं पर रोक दें और इसकी स्पीड किसको थमा दें, इसको थमा दें, तो ये रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। अब इसको रोक दिए हैं, इसको इसकी स्पीड इसको थमा दिए, तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। दोनों एक ही तरफ दौड़ रहे हैं इसलिए दोनों को जोड़ देंगे, ये भी इधर भाग रहा है ये भी इधर भाग रहा है, तो ये 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और 20 किलोमीटर की हमारी दूरी है तो 20 किलोमीटर तय करने में 10 किलोमीटर पर आवर से कितना टाइम लगता है, 2 घंटे। तो ये 7 बजे के बाद 9 बजे मिलेंगे, ऑप्शन 3 और 4 इसमें नहीं लिया गया है, तो ऑप्शन 3 है 9 बजे, तो हमारा कितना सही हो जाएगा, 9 AM। अधिक आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए, टू अट्रैक्ट मोर विजिटर, जू अथॉरिटी अनाउंस 20% डिस्काउंट ऑन एवरी टिकट विच कॉस्ट 25 पैसे। जू अथॉरिटी ने 25 पैसे की प्रत्येक टिकट पर 20% छूट दिया। फॉर दिस रीजन, इसकी वजह से सेल ऑफ टिकट इंक्रीज बाई 28%। इसकी वजह से क्या हुआ, टिकटों की बिक्री 28% बढ़ गई। तो नंबर ऑफ विजिटर परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ है उसको ज्ञात करना है, आगंतुकों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत आपको जो है ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे लगेगा ये क्वेश्चन, देखिए मान लेते हैं पहले 100 लोग आते थे, तो 100 लोगों की वजह से जो 25 पैसे प्रति टिकट था, रिवेन्यू कितना जनरेट होता था, 2500 पैसे, और ये हो गया आपका कितना, 25 रुपए के बराबर। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, 20% की इन्होंने छूट दे दी। तो इन्होंने छूट कितनी दी, अगर इन्होंने छूट दे दी 20 पैसे की, तो जो 25 पैसे का टिकट था वो 80% में बेचते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये आप काटेंगे तो आ जाएगा 20 पैसे, मतलब कि अब उसकी कॉस्ट हो गई 0.2 रुपया। सब चीज़ रुपए में चल रहा है तो इसको भी रुपए में बनाएंगे, 25 रुपया, ये 0.2 रुपए की उन्होंने छूट दे दी। इसकी वजह से क्या हुआ, जो उनके टिकटों की बिक्री 28% तक बढ़ गई, इसके कारण टिकटों की बिक्री जो है 28% तक बढ़ गई। अगर टिकट जो है 25 पैसे के ही देते तो 25 पैसे का 128% कितना होता, मतलब 25 पैसे का देते तो टोटल कितना, 25 रुपए का रिवेन्यू होता, तो 25 रुपए का 128% कितना होता, 32 रुपए। मतलब कि अगर जो है लोगों की संख्या बड़ी नहीं होती, सभी लोग आते हैं और उसकी वजह से 28% बढ़ जाता तो कितना होता, 32 रुपए होता। तो ये 32 रुपए किसके बराबर है, हम जो टिकट जितने लोग आते हैं गुणे 0.2, जो टिकट में 0.2 रुपए दे रहे हैं, मतलब कि ये जो 32 रुपए हमारा बराबर है, अगर मान लीजिए 110 लोग आते हैं तो उसको x मानते हैं, जितने लोग आते हैं और टिकट कितने का, 0.2 रुपए का, तो x बराबर 32/0.2 और ये 320/2 मतलब 160। तो पहले अगर 100 लोग आते थे तो अब कितने आते हैं, 160 लोग, वृद्धि कितनी हुई, 60% की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी ऑप्शन छूट गया है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी ले लीजिए, 60, 70 और 30%, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही होगा, 60% ही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निशा ने 1 रुपए में 2 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे। इसमें सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्वांटिटी रुपया लिख लीजिए, 1 रुपए में कितने खरीदे, 2, और उतने ही संतरे 1 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदे, अच्छा और उतने ही संतरे 1 रुपए में 3 खरीदे, 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 दर्जन संतरे कितने रुपए में बेचना चाहिए। ऐसे में क्या करते हैं, हम जो क्वांटिटी रहती है हमारी उसको बराबर करते हैं, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 संतरे, तो बराबर करने के लिए इससे 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी 3 का गुणा करेंगे, और इसमें 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी 2 का गुणा करेंगे, तो जो नया इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 3 × 6 और 1 × 3 और ये देखिए 6 और 2, मतलब उसने टोटल 12 संतरे 5 रुपए में खरीदे। अब 12 संतरे हमारा, देखिए ये तो लक हुआ, हो सकता है 13 आ जाए, 14 आ जाए, 15 आ जाए, तो उसको हम 12 संतरे का दाम निकाल सकते हैं, लेकिन ये 12 संतरे ही आ गया तो उसे 1 दर्जन संतरे कितने रुपए में बेचना चाहिए। उसने 12 संतरे 1 दर्जन संतरे 5 रुपए में खरीदे और 20% लाभ चाहिए, 20% बराबर आपका क्या होता है, 1/5, तो 5 का 1/5 कितना होगा, देखिए 5 का 1/5 1 रुपए होगा, मतलब उसे 1 रुपए का प्रॉफिट लेना है, 20% मतलब 1 रुपए का, तो उसे 6 रुपए में बेचना चाहिए। आप सिंपल 5 का 20% निकाल सकते हैं, 120% भी निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही आंसर होगा।
तीन वर्ष के अंतराल में पैदा हुए 6 बच्चों की उम्र का कुल योगफल 28 है। देखिए इसको कैसे करते हैं, जैसे आप कैसे करते हैं, देखिए आप मानेंगे कि माने पहला बच्चा x, दूसरा बच्चा x प्लस 3, उसके बाद x प्लस 6, फिर x प्लस 9, फिर x प्लस 12 एंड देन x प्लस 15। क्यों 6 बच्चों की उम्र, 3 वर्ष का अंतराल है तो 3, 6, 9, 12, 15। आपको पता है टोटल कितने हैं, 6 बच्चे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आप सीधे लिखिए 6 बच्चे हैं तो 6x प्लस क्या लिखना है आपको, 3 वर्ष का अंतराल है कितने में, 6 बच्चों में, 3 वर्ष का अंतराल है 6 बच्चों में, तो जितने वर्ष का अंतराल है उसमें एक कम कर लीजिए आप 5। अब उनका गुणा करके लिखते जाइए जैसे 5 तक, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 तक, मतलब 3 × 1, 3 लिख दीजिए, मन में ये कर सकते हैं 3 × 2, 6, 3 × 3, 9, 3 × 4, 12 और 3 × 5 कितना हो गया आपका, 15। ये चीज़ आप जो है मन में आराम से कर सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं 3, 6, 9, 12, 15 जोड़ दीजिए कितना आएगा, 45, 5, 2, 7, 6, 10, तो आप सीधे लिख दीजिए 6x + 45 = 81। तो आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा, इसमें टाइम नहीं, आप सीधे सोचिए 6 लोग हैं, 6x और एक कम कर दीजिए 3 वर्ष का अंतराल, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, आप ऐसे करके जोड़ दीजिए, तो 6x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 45 इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा कितना आ जाएगा, 36, x बराबर 6 वर्ष। तो सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या है, सबसे छोटा बच्चा x है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, 6 वर्ष। ये क्वेश्चन देखिए कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा दिखाया गया है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं है। देखिए सार्थक 4 घंटे और 35 मिनट में एक मैराथन दौड़ पूरी करता है, इस दौड़ में 10 किलोमीटर की दूरी दौड़कर, उसके बाद 20 किलोमीटर की दूरी दौड़कर, कितना साइकिल से चलकर और शेष दूरी पुनः दौड़कर पूरी करनी है। उसने पहले चरण में फर्स्ट में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की दौड़ से चला। देखिए आप पहले यहाँ पे लिख लीजिए, ये होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो हमें टोटल क्या दिया है, टोटल हमारा टाइम दिया है 4 घंटे 35 मिनट, 4 आवर्स 35 मिनट। 35 मिनट को हमको घंटे में पहले बदल लेना चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, 35/60, और जब इसको आप काटोगे तो ये 12, ये आपका हो जाएगा 55/12 घंटे टोटल। कैसे, क्योंकि हमने 4 इसमें जोड़ भी दिया, तो टोटल हो गया 55/12 आवर्स। तो ये आप अपने दिमाग में कहीं सेट कर लें, ये आपका होगा 55/12 आवर्स। अब आगे देखते हैं, इसने दौड़ में 10 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ी, तो 10 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो दूरी बटा समय, डिस्टेंस बटा टाइम, तो दूरी डिस्टेंस बटा क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड, हमारा क्या निकल आएगा, समय, तो हमारा टाइम क्या होगा, 10/6 आवर उन्होंने लिया, क्योंकि दोनों किलोमीटर में है, तो इसको काट दीजिए 2/3 आ जाएगा आपका, सॉरी 5/3 आ जाएगा, 2 × 5 = 10 और 2 × 3 = 6, 5/3 आवर घंटे टाइम इसको लगे ये दूरी कंप्लीट करने में। दूसरा क्या बोलता है, 20 किलोमीटर की दूरी उसने 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की, तो 20/16 ये कट गया 10/8, सॉरी 4×5 = 20, 4×4 = 16, सीधे काट दीजिए, तो ये 5/4 आवर हुआ। अब बोला है यदि उसने अंतिम दौड़ में सार्थक गति पहले दौड़ की गति से आधी थी, तो पहले दौड़ की गति कितनी थी, 6 किलोमीटर, तो अब कितनी हो गई, 3 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई है। तो अब आपको क्या करना है, उसने टोटल टाइम लिया 55/12 आवर्स, ये उसका टोटल टाइम था, और उसने कितना दौड़ लिया है वो जोड़ के घटा देंगे, 5/3 आवर दौड़ लिया है प्लस 5/4 आवर उसने दौड़ लिया है, तो अब कितना समय बचा है उसको 3 किलोमीटर/आवर दौड़ने के लिए। देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12, 3 × 12, 5 × 20, 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15, ये हो जाएगा आपका टोटल 35/12। मैं ऊपर का रंग मिटा देता हूँ, देखिए मैंने कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सफाई से लिख दिया है लाइन से। अब देखते हैं 35/12 आ गया, तो इसको आप घटा दीजिए, 55/12 माइनस 35/12, 35 × 10 = 45 × 10 = 55, ये कितना आ जाएगा, 20/12, और इसको आप काट देंगे तो 4×5 = 20, 4×3 = 12, तो उसके बाद टाइम कितना बचा है, 5/3 आवर्स टाइम बचा है, किस स्पीड से, 3 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलने से, तो 5/3 × 3, तो ये टाइम गुड़े स्पीड बराबर क्या, डिस्टेंस दूरी, तो ये कितना दूरी कवर किया, 5 किलोमीटर, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की, देखिए पहले उसने 10 किलोमीटर तय की, यहाँ पे 10 किलोमीटर, उसके बाद उसने 20 किलोमीटर तय की, फिर बाद में 5, तो 20, 10, 30, 5, 35 किलोमीटर उसने टोटल डिस्टेंस तय किया।
आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो इसे अपने फेसबुक पेज पे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उससे देख लीजिए, उसमें मैं बहुत सारी वीडियो का लिंक कुछ लिंक सही करके दिया हूँ, जिससे आप सीधे प्लेलिस्ट में जाओ, आपको ढूंढने की जरूरत ना हो। थैंक यू फ्रेंड।